इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। यूपी बीजेपी ने आरोप लगाया कि ओवैसी ऐसे बयानों से मजहबी बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर अयोध्या को फैजाबाद कहा, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि यूपी में योगी सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बदजुबानी के लिए कुख्यात हैं। वो जब भी बोलते हैं जानबूझ करके कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे मजहबी विभाजन की लकीरें गहरी हो सकें, और इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद नाम लिख करके अपने मिशन की शुरुआत वहां से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कितनी भी कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, ये बात उनको भूलनी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार हमने चलाई है जहां आज सरकार के नाते राम राज्य स्थापित हो रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी प्रयास से उत्तर प्रदेश में उनका कोई आधार नहीं बढ़ने वाला। अयोध्या को फैजाबाद कहने पर साधु संतों ने भी कड़ा एतराज जताया। अयोध्या के संतों ने ओवैसी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर फैजाबाद कहा तो उन्हें यहां आने नहीं दिया जाएगा। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद को हटा दिया है और अयोध्या कर दिया है, चाहे वो शौकत अली हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी आ जाए, उसको अयोध्या स्वीकार करना होगा। अगर अयोध्या की सीमा में कोई भी कार्यक्रम करना है तो अयोध्या लिखना होगा, वरना कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी औकात हो तो आप अयोध्या के अंदर रैली करके या कोई भी कार्यक्रम करके देख लो। और भारत में जो लोग चाहेंगे कि संविधान की मर्यादा को जो है तो वो लोग छोड़ करके और मनमुखी चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत दिन हो गया और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी चाह रहा है कि वो दूसरा जिन्ना बनने का प्रयास कर रहा है। चुनाव का समय चल रहा है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है, और वो कहते हैं कि वही मुसलमान आतंकवादी होता जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। वाह भाई साहब, ओवैसी जी आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा, आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है, आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई। जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम। तो दुर्भाग्य है आपकी भाव, आपकी विचारधारा, इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं और मांग करते हैं आप अपनी पोस्टर को डिलीट करो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ओवैसी साहब। तो कहीं राम के नाम की सियासत है, कहीं मुसलमान के नाम की सियासत है, लेकिन इस बार फैजाबाद नाम को लेकर के दरअसल इसमें थोड़ा सा पेंच है। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम फैजाबाद था और एक शहर फैजाबाद भी था, यानी जिला फैजाबाद में एक शहर फैजाबाद था। अब उस जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है और अयोध्या जिले में फैजाबाद शहर अब है नहीं, क्योंकि महानगर पालिका कर दी गई। इसको थोड़ा सा तकनीकी मामला है, उसको हम बाद में किसी और वक्त समझेंगे, लेकिन अयोध्या जिले में जा रहे हैं तो अयोध्या भी लिखा जा सकता था। फैजाबाद लिखने पर अब ज्यादा विवाद हो रहा है और उसे लेकर के साधु संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक... नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।